नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी की नेता राघव चड्ढा की शादी साल की मोस्ट अवेटेड वेडिंग में से एक है। ये कपल 24 सितंबर को उदयपुर में शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। हालांकि परिणीति और राघव की शादी के बारे में ज्यादातर जानकारी सीक्रेट ही रखी गई है, फिर भी परिणीति और राघव के बिग डे को लेकर काफी खबरें सुर्खियों में है। वहीं ये भी चर्चा हो रही है कि अपनी कजन सिस्टर परिणीति की शादी के लिए ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा कब भारत आएंगी। दरअसल परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। वहीं हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि आखिर प्रियंका चोपड़ा अपनी कजन सिस्टर परिणीति की शादी अटेंड करने के लिए भारत कब आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका 23 सितंबर को भारत आएंगी और शादी के जश्न में हिस्सा लेने के लिए सीधे उदयपुर के लिए रवाना होंगी। बता दें कि इससे पहले प्रियंका चोपड़ा परिणीति और राघव की दिल्ली में हुई सगाई में भी शामिल हुई थी। इसी के साथ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि निक जोनस अपनी साली साहिबा की शादी में शामिल होने के लिए अपने शेड्यूल में बदलाव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वर्क कमिटमेंट की वजह से वो इसे मिस कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि प्रियंका लास्ट मोमेंट पर शादी में पहुंचेंगी, लेकिन वो दूर रहते हुए भी अपनी बहन की शादी की सभी तैयारियों से जुड़ी हुई है। वही रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा की लाडली मालती भी अपनी मौसी की शादी में अपनी माँ के साथ जाएंगी। इन सबके बीच परिणीति और राघव की शादी के तमाम फंक्शन को लेकर हर दिन नई नई बातें सामने आ रही है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी शादी की थीम नॉस्टैल्जिया होगी और सभी फंक्शन भी उसी के इर्द गिर्द आयोजित किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि परिणीति राघव का संगीत फंक्शन 90 के दशक की थीम पर बेस्ड होगा। वहीं फूड की बात करें तो कपल की शादी में पूरी तरीके से पंजाबी स्वाद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि दुल्हा और दुल्हन दोनों ही पंजाबी है। हालांकि शादी उदयपुर में है, इसलिए मेन्यू में लोकल राजस्थानी डिशेज भी शामिल होंगी। वहीं ये भी खबरें आ रही है कि दूल्हे मियां राघव अपनी दुल्हनिया के लिए वेन्यू पर घोड़े से नहीं बल्कि शाही नाव से पहुंचने वाले हैं। लेकिन इन सब से हटकर आपको इन दोनों की शादी की तस्वीरों का कितना बेसब्री से इंतजार है, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब के केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।